दोस्तों यहाँ पर जानकारी लेने के लिए अनूप और पिंकी को गाड़ी से नीचे उतारा जाने लग रहा है और जांच टीम है जो साथ में लेके जाएगी। इनसे घटना स्थल के बारे में पूछा जाएगा कि इनके साथ जो हादसा हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर ये लेटे हुए थे। ये सारी जानकारियाँ इनसे खुद इनको अपने साथ ले जाकर ये लेंगे। तो आप देख सकते हो पिंकी को अभी साथ में ले जाया जा रहा है अंदर, और इसके बाद अनूप को भी ले जाया जाएगा। अनूप से भी पूछा जाएगा, घटना स्थल के बारे में जानकारी लेंगे पूरी। यहाँ पर तमाम गांव वाले आए हुए हैं और गांव वाले ये देखो सारे इसको घटनाक्रम को जो कुछ हुआ था, यहाँ पर कौन इस चीज़ का गवाह है, किसने इस घटनाक्रम को देखा है, इनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा कैमरे पर, ये नहीं बता रहा कि हमने देखा था। ये सवाल एक सवाल ही बन के रह गया है कि ये हुआ था, हुआ कैसे। और जैसे आप सब ने पता है कि अनूप ने और पिंकी ने तो मतलब सपना के ऊपर आरोप लगाए हैं इस सारे हमले के, और सब पूरे देश को ये भी पता है कि सपना और अनूप के बीच में काफ़ी टाइम से जो विवाद चल रहा है उसके चलते भी, और यहाँ तो सरपंच साहब के बार भी बार बार में आरोप लगाए जा रहे हैं। जब भी कुछ होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अनूप को पिंकी को बुखार भी होता है ना तो सरपंच साहब का नाम पक्का आता है, और ये कल आपको गावड़ों ने भी बताया था। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और इस जांच की ना पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर।